अगर आप घर पे मिठाई त्योहारों पे बनाना चाहते हैं और आपके पास कोई सामान नहीं है तो मैं आपको दो चीज़ों से मिठाई बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो मैंने यहाँ एक कप चना दाल लिया है, इसको मैंने दो तीन घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। दो तीन घंटे बाद अच्छे से भीग गया है और ये डबल हो गया है। इसके बाद अच्छे से धो के मिक्सी के जार में यहाँ डाल रही हूँ। डालने के बाद अगर पानी की ज़रूरत है तभी डालें वरना नहीं, एक दो स्पून की ज़रूरत तो डाल सकते हैं। अच्छे से पेस्ट मैंने यहाँ बना लिया है, इस तरह से बनाना है। उसके बाद एक बर्तन में निकालेंगे और इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है। देखिए जिस भी शेप में आप डालना चाहते हैं घी में वैसे डाल सकते हैं। इसे हमें तलना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। आप छोटा बड़ा जैसा भी डालना चाहते हैं, इसके अंदर हमें पकौड़ी की तरह तलना है। देखिए ऊपर से क्रिस्पी हो गया है, अंदर से भी सॉफ्ट होगा। तो आप सोचेंगे कि ये क्या कर रही है सम्या, तो मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए ये पूरा मैंने तल लिया है, उसके बाद हमें इसे छोटे छोटे से टुकड़े करने, क्योंकि पकौड़ी ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाता है बट अंदर से सॉफ्ट रहता है। तो हमें इसे डबल फ्राई करना है, तो उसी घी के अंदर हाई फ्लेम पे हमें तलना है ताकि अंदर से भी ये क्रिस्पी हो जाए। देखिए हो गया है और सारा मैंने तल लिया है, और ठंडा जब हो जाएगा तब मिक्सी के जार में डालेंगे और अच्छे से इसका पाउडर बनाएंगे। इस तरह से मैंने पाउडर बना लिया है, देखिए अब दिखा रही हूँ। और यहाँ एक कप मैंने चीनी लिया है, एक कप मेरा चना दाल था तो एक कप चीनी लेंगे और उसके बाद हाफ कप पानी डालेंगे और कंटिन्यू हमें चलाते रहना है। और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, हमें चाशनी के अंदर चिपचिपाहट लाना है। देखिए चिपचिपाहट आ गया है, तो अब गैस लो कर देंगे और वन पिंच कलर डाल रही हूँ, फूड कलर। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, इससे क्या होता है कलर बहुत अच्छा आता है। हमारा चाशनी बन के तैयार हो गया, तो इसमें से थोड़ा सा अलग कर देंगे। मैं आगे बताऊँगी कि क्यों कर रही हूँ। उसके बाद जो मैंने पीसा था उसको इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिलाएँगे, कंटिन्यू चलाते रहना है। देखिए यहाँ चाशनी कम लग रही है, तो मैंने जो निकाला था इसीलिए निकाला था कि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो बर्फ़ी है लूज हो जाएगा, इसलिए हमें पहले निकाल देना है, हम बाद में भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पूरा चाशनी फिर से डाल दी हूँ और गैस मेरा ऑफ है और ये देखिए अच्छे से मिल गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी मिठाई है, 10 से 15 मिनट में बनके तैयार होता है। उसके बाद एक प्लेट में घी लगा लिया है और उसके बाद इसके ऊपर डाल दिया और अच्छे से हमें फैला लेना है। देखिए मैं इस तरह से फैला रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ सिल्वर फॉइल लगा रही हूँ, ये पूरी तरह से ऑप्शनल, अगर नहीं हो तो ना लगाएं। उसके बाद ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसकी हम कटिंग करेंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।